सर ये मेरा आखिरी प्रश्न है। 2024 के चुनाव लगभग उनकी एकदम घोषणा जैसी तो हो ही चुकी है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, उसमें जो दलित लीडर्स हैं उनका, या विशेष तौर पर मैं आपकी पार्टी का ही जिक्र करूं तो आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? ठीक, मेरा सर अगला प्रश्न है कि आपकी जो जो पार्टी है उसकी उसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या आप कुछ नया जनता के लिए करना चाहते हैं? और ऐसे सैकड़ों कांड हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी जो नए जो आंकड़े आए उसमें कंटिन्यूअसली दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाओं के बलात्कार होना बढ़ गए हैं, लेकिन इस पर कोई भी ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया कहीं दिखाई नहीं देती, पूरा एक सन्नाटा है। सवाल, आप ये जो सवर्ण प्रेस है उसी की तरह आप बात करते हो। आप सस्टेन कैसे कर सकते हो, इस पर भी हम उनको सब बता रहे हैं। मेरा सर जो प्रश्न था वो ये था कि हम लोग इन्हीं पार्टी को और अपने साथ लेकर एक दलित तो या अम्बेडकराइट फ्रंट क्यों नहीं बनाते हैं, इतनी सवाल सारी ऐसा पार्टी है तो। कि हाँ सवाल सवाल एक है, इसलिए कह रहा हूं कि आपकी राजनीति और सवर्णों की राजनीति एक देशी है। मैं तो अभी कोई राजनीति कर ही नहीं रहा हूं, मैं बस आपका ही देखिए फीडबैक। राजनीति, आज की सर 2024 के लिए बिल्कुल शंखनाद हो गया है, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपनी अपने चालें चल रही हैं, और उसमें उस जो पूरी राजनीति है, राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें दलित पॉलिटिक्स आपको कहाँ किस स्तर पर दिखाई दे रही है? मतलब मुझे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कहीं भी ऐसा कोई दलित लीडर या दलित फेस हमें नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर भी। ओबीसी के कुछ लीडर्स हैं लेकिन देखिए अम्बेडकर या आप दलित लीडर्स नहीं है वहां पर। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में है, हाँ मध्य प्रदेश में सर आपके एक्सपेंशन के कुछ प्लान्स हैं? मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा वैक्यूम है, आपको पिछले कई दशकों से वैक्यूम है, यहाँ पर जब भी बात की जाती है तो दलित कम्युनिटी का ही जो एक इलीट वर्ग है वो कहता है कि भाई हमें तो विदेश जाके पढ़ना है, लेकिन इसी समाज का एक बहुसंख्यक जो जनता है उसके पास तो एक बेसिक एजुकेशन भी मिलने की उसको संभावना नहीं होती। उसके क्षेत्र में आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे दलित बहुजन पॉलिटिक्स के ऊपर, और दलित की जो जितनी पार्टियां हैं जिसमें कि विशेष तौर पर जो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी है उसका क्या क्या रुख रहेगा 2024 के चुनाव में और उसके बाद के जो महाराष्ट्र के चुनाव है उसमें। आज के कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं वो है एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर, जो कि संस्थापक हैं वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के और बाबा साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्वागत है सर आपका, जय भीम नम बुद्धाय। स्वागत स्वागत आपके। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी पहले हम आपकी पार्टी के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय दल के तौर पर ही क्यों काम कर रही है, जबकि पूरे भारत में देखा जाए तो दलित जो पार्टियां हैं या अम्बेडकर पॉलिटिक्स जो है उसके लिए काफी स्पेस हाँ है, काफी जगह है। ये सही बात है आपकी कि हम लोग जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि 80 में जो है वो काफी दलित नेता थे, अम्बेडकराइट नेता थे, कि जो अलग अलग राज्यों में काम करते थे। तो एक है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्ट ना हो, इसलिए हर ने अपना अपना स्टेट ही स्टेट में ही कॉन्सेंट्रेट करना और इंटरफेरेंस नहीं करना, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसलिए हम लोग जो है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित रहे। ठीक। आप जो है वो ना कांचीराम रहे ना रामविलास पासवान रहे, तो इसलिए अब जो है वो हम लोग दूसरे राज्यों में भी ऑर्गेनाइजेशन करना है, क्योंकि मायावती का भी जो है वो एक वजूद था एक यूपी में, लेकिन पिछले इलेक्शन में उन्होंने मुझे वोट ना दीजिए लेकिन बीएसपी को वोट ना देते हुए आप बीजेपी को वोट दीजिए, तो वहां के जो अम्बेडकराइट है वो फर्स्टेट हो चुका है और एक नई ऑर्गेनाइजेशन वहां पे वो खड़ा कर रहा है कि जिसको हम लोग मदद कर रहे हैं वहां पे। तो किस हर राज्यों और? में जो है एक नई मूवमेंट शुरुआत हो रही है, हरियाणा में शुरुआत हो रही है, राजस्थान में शुरुआत हो रही है, उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है, तेलंगाना में शुरुआत हो चुकी है, गुजरात भी रूट्स ले रहा है और मध्य प्रदेश में भी बैठक का होना शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक रूट्स नहीं लिया है।
मतलब मध्य प्रदेश में आपका संगठन या कोई दूसरे राजनीतिक संगठन जो दलित नहीं, हम लोग जो है देखिए हम लोग ऐसा कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, जिनको वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में ज्वाइन होना है वंचित अघाड़ी के बहुजन साथ में ज्वाइन हो जाए, अगर उनको लगता है कि हम क्षेत्रीय दल से ही अपना संगठन वहां पर खड़ा कर सकते तो उनको हम उसी तरीके से मदद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है लेकिन तब भी आप अगर चाहेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे उसके लिए, आप ओपन है? हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में अभी जो है गिरजालाल जो है एक नई संगठन वहां पे खड़ा कर रहा है जिसको हम लोग मदद कर रहे हैं, विजय कुमार बंडी है तेलंगाना में है वो एक नया संगठन खोल रहे हैं, हरियाणा में है ओपी जिंदल है और उसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रजीत चौपाल है वो हरियाणा में एक ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे जो ऐसे लोगों को हम लोग पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर सवाल तो यही है ना कि आप नए ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग खोल लेंगे क्योंकि नए ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में कम मेहनत लगती है लेकिन उसको चलाने में ज्यादा मेहनत लगती है। इसके ही जगह हम देखें कि बीएसपी हमारे पास ऑलरेडी पार्टी है, चंद्रशेखर जो है उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है, इसके अलावा जो बामसेफ है वामन मेश्राम जी वाला उनकी एक अलग से पार्टी है। आप वैसे नाम लेते जाओगे तो दसों नाम लेते जाओगे जी, लेकिन इनका वजूद क्या है जी? बीएसपी को छोड़ के बजाय जिनका आपने नाम दिया उनका कोई वजूद नहीं है। आप ये जो सवर्ण प्रेस है उसी की तरह आप बात करते हो कि अरे भैया तुम्हारे में इतने दल है तुम क्या करोगे। सवाल ये है अगर इनके दल मजबूत होते तो शायद मेरे ख्याल से कोई ऑर्गेनाइज करना नहीं चाहता, वो तो इन्हीं दलों के साथ में सहयोगी होते। नहीं, मेरा प्रश्न तो बात मान के चलिए कि ये जो सवर्णों की जो राजनीति है कि ये बताना कि अम्बेडकर वादियों में दसों पार्टियां हैं, ये तो मेरे ख्याल से सवर्णों में भी है ना, उनके भी दसों पार्टियां हैं। बिल्कुल, लेकिन वहां कोई बताता नहीं कि भाई तुम दसों पार्टियों में बिगड़े हो, लेकिन एक बात ये चलती है कि अम्बेडकर वादियों को आईना दिखाने की कोशिश होती है कि तुम दसों पार्टियों में बिगड़े हो। नहीं, मेरा प्रश्न सर में अगर दस पार्टियां होती तो शायद कांशीराम कभी अपनी सरकार नहीं बनाते, रामविलास पासवान अगर बिहार में अगर कोई वहां पर जाके उनको डिस्टर्बेंस करता तो शायद इतने बड़े रामविलास पासवान नहीं होते। तो ये जो पब्लिसिटी स्टंट है ना, गुमराह करने की जो अम्बेडकरवादियों की जो राजनीति है, अब मेरे ख्याल से जो यंगर जनरेशन है इसको समझ चुकी है और इसलिए वो इस बात को मान के चलती है कि ऑल इंडिया राजनीति अब चल नहीं सकती। राइट, उसकी वजह यह है कि कोई दल बीजेपी से लेके कोई भी दल राजनीति नेशनल लेवल पे है ही नहीं, कुछ स्टेटों पे और कुछ स्टेटों पे है ही नहीं। क्षेत्रीय दल जो है वो बढ़ चुके हैं और क्षेत्रीय दल बढ़ने की वजह से जो है इस बात को यंगर अम्बेडकर समझ चुका है कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कोई अंडरस्टैंडिंग होगा वो स्टेट लेवल पे होगी, नेशनल लेवल पे नहीं होगी। तो इसलिए उसी बात को लेके हम लोग जो है अगर रीजनल दलों के अंदर एक अम्बेडकराइट की फोर्सेस खड़ी हो जाती है एक नए नाम से खड़े हो जाते तो हमको हम उनको पूरी तरह से ताकत दे रहे हैं, आइडियोलॉजिकली भी दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली भी दे रहे हैं और आप सस्टेन कैसे कर सकते हो इस पर भी हम उनको सब बता रहे हैं। मेरा सर जो प्रश्न था वो ये था कि हम लोग इन्हीं पार्टी को और अपने साथ लेकर एक दलित तो या अम्बेडकराइट फ्रंट क्यों नहीं बनाते हैं? सवाल इतनी सारी है कि सवाल एक है कि अगर ये इतने अगर मजबूत होते तो शायद इनका अपना खुद का वजूद होता। आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम दिया, पिछले इलेक्शन वो खुद लड़े हो गए, बिल्कुल लड़े थे और हार भी गए थे। सवाल ऐसा हार जीत की बात चलती है लेकिन वहां जितने भी उस मतदार संघ के जितने भी अम्बेडकराइट है उनमें से कितने लोगों ने आपको वोट दिया? बिल्कुल, सवाल ये है जब आपको वहां के 10% ने भी आपको वोट नहीं दिया है तो इस बात का पूरा ध्यान में लेना जरूरी है कि लोगों ने आपके साथ आने से मना कर दिया है।
तो ये इस फील्ड को छोड़ के और कहीं जाना चाहिए। ठीक, जब आप खुद खड़े हो जाते हो और 10% भी वोट वहां का मिड राइट का मिलता नहीं है तो इसका मतलब क्या है? लोग आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी ये पागलों की तरह वहां पर डटे हुआ है तो इसका मतलब ये है कि लोगों में ध्यान में आया कि ये दिखाने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है। तो आप ऐसे लोगों का नाम रटते रहेंगे, ऐसे लोगों का नाम रटते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लोग यही कहेंगे रोहित जो है वो सवर्णों की राजनीति हमको सिखा रहे, इनसे थोड़ा बच के रहिए। नहीं नहीं, अब मेरा जो अब क्योंकि मैं एक आम दलित के हैसियत से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये एक सुनो, आप किसी भी लफ्जों में डाल दीजिए, लोग बहुत सियाने हो चुके हैं। ठीक ठीक, ये संगठन जो है ये करीब करीब 15-20 साल इलेक्शन में है, जहां तक हम लोग नहीं है, हम लोग अपने राज्य तक ही सीमित है और राज्य तक हम लोग पूरी ताकत से हम लोग सीमित है। यहाँ पर कोई ये नहीं है, जिनका आपने नाम लिया उनका यहाँ वजूद कोई है नहीं। जहां वो कहते हैं कि हमारा वजूद है वहां भी 10% अंबेडकर राइट उसके साथ में नहीं है। तो ये एक बात आप लोगों ने ध्यान में लेनी चाहिए कि जिनको जिनको लोगों ने नकारा है ये बात आपने स्वीकारना चाहिए और आपने उनको छोड़ना चाहिए। आप तो उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। इसलिए कह रहा हूं कि आपकी राजनीति और सवर्णों की राजनीति एक देशी क्या? मैं तो अभी कोई राजनीति कर ही नहीं रहा हूं, मैं बस आपका ही राजनीति राजनीति की सोच के बारे में कह रहा हूं कि उनकी राजनीति यही है कि ये अंबेडकर राइट डिवाइड है वो दिखाइए और आप भी इनके नाम जब लोगों ने उनको नकारा है आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप फिर भी उनको पकड़ पकड़ के रखने के लिए तैयार हो तो उसको छोड़ दीजिए ना। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने जो नाम लिए आपके पास आपको इनकी जानकारी है? नहीं, बिल्कुल भी जानकारी नहीं। क्या सवाल ये है, आप जानकारी नहीं है क्यों? आप रखना नहीं चाहते हो? नहीं ऐसा, आप जो राजस्थान का गिरजर का जो है जो मूवमेंट पूरा चला है इंदर के आंदोलन का वो खुद चला रहा है। ठीक, वहां के एनजीओ को लेके ठीक उसको बढ़ावा देने के बजाय मरे हुए मुर्दे को आप दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे, और जो मरा हुआ है वो मरा हुआ है, उसको आप जिंदा नहीं कर सकते। सर लेकिन ये तो एक स्वाभाविक प्रश्न है ना, मान नहीं है कि जो वो लंका से ये लाए और उनको जिंदा करे। ये तो सर एक स्वाभाविक प्रश्न है कि एक वक्त पर बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा प्रभुत्व रहा, यूपी हो या एमपी के अंदर वो खत्म हो गई, ये सभी को पता है, उसके कई सारे कारण है, लेकिन वजूद था उनका उनकी राजनीति का पतन हुआ, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आज की डेट में भारत के अंदर कोई भी ऐसा हमें कोई भी ऐसा लीडर दिखाई नहीं दे रहा, पर्सनली मुझे नहीं दिखाई दे रहा, जो कि अगर जैसे जालौर कांड का आपने जिक्र किया, आप वहां पर गए, मुझे सिर्फ दो नेता ऐसे दिखाई दिए, एक आप और एक चंद्रशेखर जी जो वहां पर जाके मिल रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों कांड हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी जो नए जो आंकड़े आए उसमें कंटिन्यूसली दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाओं के बलात्कार होना बढ़ गए हैं, लेकिन इस पर कोई भी ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया कहीं दिखाई नहीं देती, पूरा एक सन्नाटा है। सवाल ऐसा है, आप लोग उसको दिखाते नहीं हो। मैंने इसलिए कहा कि जालौर के इंसिडेंट पर आज भी जिलों में, राजस्थान के जिले में जुलूस चल रहे, मोर्चे चल रहे, ठीक धरने चल रहे, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है क्योंकि कदम नहीं उठा रहे तो उनके खिलाफ भी लोग नारेबाजी करना शुरुआत करेंगे। जय सर, सवाल ऐसा है कि मरे हुए मुर्दों से आप अपेक्षा करोगे तो उससे अपेक्षा होगी नहीं, क्योंकि वो मुर्दा ही मरा हुआ है तो वो क्या करेगा? तो सर जिंदा लोग जो जिंदा लोग है जो कर रहे हैं आप उनका दिखाते चलिए तो आपको भी दिखाई देगा और आम उस जिले के बाहर के लोग हैं उनको भी दिखाई देगा। ठीक है सर, आपका कहना सही है कि जो जिंदा लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनका जिक्र ज्यादा होना चाहिए, अदर देन उनका जो कि ऑलरेडी पतन हो चुका है जिंदा। ठीक, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि नए जो लोग लीडर्स आ रहे हैं
उनको देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पिटीशन चल रहा है, इसी एक अखबार ने ये देखा है कि वहां पे दलित संगठन इकट्ठा आए हुए है, इनको छोड़ के, जिनका नाम ये आप, इनको छोड़ के दलित सॉलिडेरिटी फंड किया हुआ, फंड बनाया हुआ है, और वो दलित सॉलिडेरिटी फंड जो है वो इस पिटीशन में एक पार्टी हो चुकी है। ठीक, उन्होंने एक अपोजिशन किया, जो कुछ उनको इकट्ठा कर सके उन्होंने इकट्ठा किया, और उसके माध्यम से वो वकील लगाकर कोर्ट में अम्बेडकरवादियों की जो है, आदिवासियों की जो है, उस बात को वो सामने ला रहे हैं। वो तो पिटीशन खुली है, नेट पे मिलती है, लेकिन किसी ने ये कहा नहीं कि एक दलित सॉलिडेरिटी फ्रंट जो है उसने जाके इस पे विरोध किया है। आप मुझे एक भी YouTube चैनल में बताइए कि ये न्यूज आई है करके। सर ये मेरे बिल्कुल भी, ये उन्होंने भेजा, आप लोगों के पास उनका पिटीशन आया, आप लोगों के पास उनका प्रेस रिलीज आया, लेकिन उनका नाम नहीं। आपने मेरे ध्यान में ये चीज लेकर आई है सर, मैं आपको वादा करता हूँ कि इसके ऊपर मेरी जितनी संभव होगी मैं उनसे बात करूंगा, उनका जो पक्ष वो सामने रखने की कोशिश करूंगा। मुझे इस बारे में नहीं पता था अभी तक, मैं उसकी बात, हाँ। पक्ष की बात है, वो तो पक्ष कोर्ट में रखेंगे, हाँ। लेकिन जनता के सामने रखना तो पड़ेगा ना कि एक ऐसा व्यक्ति, हाँ, एक दलितों का ग्रुप इकट्ठा होके उसने EWS को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन जो है, जिसके मैटर शुरुआत हो चुका है और खुद चीफ जस्टिस उसको सुन रहे हैं, उसमें उन्होंने एक पार्टिसिपेंट करके ये कैसा गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है वो एक बताने की उनकी कोशिश है, प्रयास है। ठीक, अच्छा, ये नए ग्रुप है ये बेचारे, हाँ, तो इनकी कोई ज्यादा पहचान, अपनी तरफ से, हाँ। अपनी तरफ से जो है वो एक नई पहल कर रहे हैं। ठीक, मेरा सर अगला प्रश्न है कि आपकी जो पार्टी है उसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या आप कुछ नया जनता के लिए करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जो है वो पूरी तरह से जो वंचित है, सोशली और इकोनॉमिकली जो वंचित है, उनको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक बात। ठीक, दूसरी बात जो है वो ये जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, पिछड़ों में तो डेमोक्रेसी आ चुकी या जानकारी हो गई, लेकिन अति पिछड़ा जो है उसके दरवाजे तक कभी जो है वो डेमोक्रेसी पहुंची नहीं है। ठीक, ना किसी पार्टी ने उसको नुमाइंदगी दी है। हम लोग रिजल्ट क्या हो उसका नहीं देख रहे हैं, उस बात को हम लोग नहीं देख रहे, लेकिन इनके यहां भी डेमोक्रेसी पहुंचे, इनको नुमाइंदगी मिले, कैंडिडेचर मिले, इतने इनके समाज के कितने वोट है वो हम नहीं देख रहे, लेकिन डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र जो है, ये इन तक पहुंचे, ये हमारी एक कोशिश है, और इस कोशिश में जो है हमको महाराष्ट्र में करीब करीब आप मान लीजिए 70 लाख के आसपास, 65-70 लाख के आसपास जो है वो वोट मिल चुके हैं, हम जीते नहीं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद से जो है वो लोग हमसे जुड़ गए पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ठीक ठीक, लेकिन सर क्या इसमें आपको नहीं लगता कि जितने भी जो दलित लीडर्स रहे पहले या अम्बेडकराइट लीडर्स रहे उनकी कहीं कुछ कमी रह गई कि आज तक इनके घर तक हम लोकतंत्र नहीं पहुंचा पाए? देखिए सर, देखिए सवाल ऐसा है, देखिए कि आप अपना घर जब सुधार ही नहीं है तो आप दूसरे के दरवाजे पे क्या जा सकते? ठीक, आप तो पहले अपना घर तो बनाइए, अपना घर तो सुधार दीजिए, एक दफे घर सुधार दिया तो आपको दिखाने के लिए कुछ होता है। तो अभी की जो जनरेशन है वो मैं समझता हूँ कि अपने लिए लड़ने के लिए वो सक्षम है और दूसरों के लिए मदद करने के लिए सक्षम है, और इसलिए अब जो अम्बेडकरवादी जो है वो अपना दायरा बढ़ा रहा है, और अपना दायरा बढ़ाते हुए उसने अपने सामाजिक और राजनीतिक मित्रता किससे हो सकती है उसका उन्होंने तय किया है। ठीक, और वो तय मैंने जैसा कि अति पिछड़ा जो है उस अति पिछड़े के साथ में वो अपनी सामाजिक राजनीतिक गठबंधन करने के लिए तैयार है, और दूसरा बीजेपी की सरकार होने की वजह से यहाँ पर मजलूम जो है,
वो मुसलमान है रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप से, उसको सभी जगह से बाहर, इसलिए कोशिश चल रही है पूरी, ये जो नई मूवमेंट मैंने जिसके कहा उनकी एक कोशिश चल रही है कि अम्बेडकरवादी जो है ये अति पिछड़ा और मुसलमान इनके साथ में बैठ के गठबंधन की एक राजनीति शुरुआत करें। ठीक, ये तो हो गया सर, समाज के स्तर पर आप गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रश्न होगा कि आप राजनीतिक स्तर पर किस तरह किन किन पार्टियों सवाल ऐसा कुछ? सवाल ऐसा है कि जब तक आपका वजूद नहीं बनता, ठीक, और ये सोशल ऑब्जेक्ट जो है ये बात सही है, लेकिन जब उनको नुमाइंदगी दी जाती है तो वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। ठीक, तो सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट अचीव जब होता है तो आपका एक वजूद बनता है, और आपका एक वजूद अगर बन गया तो आप दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं, आज दूसरी पार्टियां आपके साथ ही समझौता करने के लिए आ जाएगी। ठीक, जब तक आपका वजूद नहीं है तब तक किसी पार्टी के सेना के हम समझौता करने के लिए तैयार है, आपको वो इज्जत नहीं देते। ठीक, आज की सर 2024 के लिए बिल्कुल शंखनाद हो गया है, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपनी अपने चालें चल रही हैं, और उसमें जो पूरी राजनीति है, राष्ट्रीय जो राजनीति है, उसमें दलित पॉलिटिक्स आपको कहां किस स्तर पर दिखाई दे रही है? मतलब मुझे जहां तक मैं देख पा रहा हूं कहीं भी ऐसा कोई दलित लीडर या दलित फेस हमें नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर भी। ओबीसी के कुछ लीडर्स हैं लेकिन अम्बेडकर या दलित लीडर्स नहीं है वहां पर। देखिए, सवाल में ये मैं सवाल आपसे ये कहूंगा, दलित मूवमेंट अब जो है उसका रूप बदल रही है। ठीक, इन द सेंस कि आप एक व्यक्ति, मतलब जो हमारी राजनीति थी 80 में जो राजनीति थी या 80 के पहले की जो राजनीति थी, उस राजनीति में एक व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द मूवमेंट चलती थी, ऐसी परिस्थिति थी। अब जो आ रहा है वो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द मूवमेंट नहीं चल रही है तो मिलके मूवमेंट चल रही है, कलेक्टिवली मूवमेंट चल रही है। ठीक, और इसलिए मैंने जो कहा कि भैया राजस्थान में कलेक्टिवनेस करने का जो बेड़ा उठाया है वो गिरजाज है, ठीक, ओपी जिंदल है, या आपके चार्ल्स है, या यूपी में कैप्टन है, ये सभी जो लोग हैं इन्होंने अभी जो है वो कलेक्टिव लीडरशिप की जो होती है उसको उन्होंने शुरुआत किया है, तो आपको मूवमेंट दिखेगी, आपको इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं दिखेगा उसमें। अच्छा, आपका ये कहना है कि तो ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट का एक कैप्टन तो होगा, नहीं ऐसा नहीं, जैसे पहले हम लोग थे तो हमारे इर्द गिर्द मूवमेंट चलती थी, कांशीराम थी, कांशीराम की इर्द गिर्द मूवमेंट चलती थी, रामविलास पासवान है, रामविलास पासवान के उनपे चलती थी, तमिलनाडु में जो है वो अभी आलमुगम है उसके उसके इर्द गिर्द चलती है, कट्टी पद्मारावत है आंध्रा में उनके इर्द गिर्द वहां पर चलती थी, DSS कर्नाटक में था उनसे यहाँ पे चल, तो ये जो है इंडिविजुअल मूवमेंट का जो फेस था वो अब खत्म हो गया है, और ये अभी जो है ये नई जनरेशन जो है वो कलेक्टिवली मूवमेंट चलाने में इंटरेस्ट रखती है। लेकिन फिर भी सर, आपको व्यक्ति के बजाय आपको भीड़ की ताकत दिखाई देगी, भीड़ की ताकत आप कह रहे हैं कि दिखाई देगी, लेकिन ऐसी कहीं भी पर्सनली मैं कोई ताकत मुझे नहीं दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि मेरे हो सकता है कि मेरी जानकारी में नहीं होगी, लेकिन सुनो, मैं अभी जयपुर में था, यही इंदर के जुलूस में, तो वहां ताकत थी। ठीक, और उसके उसके पहले जो है वो मध्य प्रदेश में उसका हमने देखा है, मध्य प्रदेश में सर आपके एक्सपेंशन के कुछ प्लान्स हैं? मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा वैक्यूम है, पिछले कई दशकों से वैक्यूम है यहाँ पर। वहां तो देखिए वैक्यूम बहुत बड़ा है वहां पर, पहला ये था कि कांशीराम के वक्त जो थे वहां की लीडरशिप जो कांशीराम ने जो है वो मौर्य समाज के हाथ में दी थी, लेकिन मायावती का रुख जो मौर्य समाज के बारे में रहा उससे वो नाराज हो गए, मौर्य और बलिया जो है, बलिया समाज जो है
वो इकट्ठा चले जाता था और वहां की कांशीराम के नाम से एक राजनीति वहां पर उभर चुकी थी। ठीक। लेकिन उसके बाद में मायावती उसे संभाल नहीं पाई, इसलिए मौर्या अलग हो गए, उनमें से कोई नहीं रहा, बलिया समाज जो है उसमें से कोई ना रहा, इसलिए अलग हो गए। तो अब जो है वो एक नया मोड़ ले रहे हैं वहां पर। मेरे हिसाब से 5-6 महीने और लगेंगे उनको उभरने के लिए। अच्छा। लेकिन एक नए रूप से मध्य प्रदेश में भी उभर होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक। आपका कोई ऐसा लीडर है जिनसे के साथ आपकी मध्य प्रदेश में बातचीत चल रही हो? राजनीतिक पार्टियों के नेता के साथ में? इसको कोई भी सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी? काफी काफी लोग है, ग्वालियर में है, सतना। अच्छा। में है, बरानपुर में है, इंदौर में है। ठीक। आदिवासियों में भी और दूसरे समाज में भी चल रहा है, मतलब उनका इकट्ठा आना शुरुआत हो चुका है। मोबिलाइजेशन में समय लगेगा? समय तो लगेगा, मैंने कहा 5-6 महीने तो लगेगी उनको। ठीक। आप ठीक है सर, आप कह रहे हैं 4-5 महीने लगेंगे, 5-6 महीने, लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है, तो देखते हैं कब तक क्या होता है। लेकिन मैं आऊंगा कि जो आंकड़े अभी हमारे सामने आए, जिसमें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों शीर्ष पर हैं दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज के मामले में, दलित और आदिवासियों की एट्रोसिटीज के मामले में, इस पर आप लोगों ने कोई कुछ ज्ञापन वगैरह कुछ देने का कुछ किया, या फिर कुछ कोई भी लीगल एक्शन, कोई भी लीगल फाइट, या आपकी पार्टी या आपकी पार्टी का कोई लीगल एड आप लोग प्रोवाइड करते हैं कुछ लोगों को, या आपसे जुड़े संगठन है वो लीगल एड प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए अभी जो है वहां पर मैंने जैसे कहा कि ऑर्गेनाइज होना शुरुआत हो चुका है राजस्थान, मध्य प्रदेश में मैंने जैसे कहा 5-6 महीने लगेंगे उसको पूरा ऑर्गेनाइज के रूप में। ठीक। अब जहां कहीं अत्याचार हो रहा है, जितने अम्बेडकराइट वकील है उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर वो परिवार गरीब है और अत्याचारी परिवार है तो उनके केसेस जो है हम लोग फ्री में फाइट करें। ठीक है। जैसे आप ये इंदर की केस है तो जूनागढ़ के जो वकील है गोपालगंज करके वो खुद लड़ रहे हैं वहां पर, हाईकोर्ट के वकील है, अच्छे वकील है, नामांकित वकील है दलितों में से, और उन्होंने खुद पब्लिकली कहा कि मैं इसमें लड़ रहा हूँ और मैं इसको आखिरी तक लड़ूंगा इस पे। तो अब कई मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते जा रहा है वैसे वैसे वकील जो है वो आगे आ रहे हैं, वो खुद लड़ रहे हैं। ठीक। क्योंकि ये मेरा अगला प्रश्न थोड़ा वकालत से रिलेटेड ही है, क्योंकि आप खुद एक वकील भी हैं और समाज सेवा में भी आपने काम किया है। कानून बन जाते हैं लेकिन कानून को एक व्यक्ति तक पहुंचाने में ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहती है कि लोगों को पता नहीं है उनके राइट्स क्या हैं, और फिर उस ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि जो वकीलों की भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है। लेकिन कोई भी ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर कोई ऐसे संगठन है जो कि लीगल एड्स प्रोवाइड करवाते हों महाराष्ट्र में? देखिए अभी हम लोगों के यहाँ जो है मतलब जो हम लोगों ने किया है, ठीक, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो किया है, ये जितने एट्रोसिटी के केसेस होते हैं शुभ विकास या शुभ ड्राइव पे, ठीक, सरकारी वकील तो होगा उसमें कोई नहीं है, लेकिन साथ साथ जिस परिवार पे अत्याचार हो रहा है उसको जो है एक वकील तय करने का उसका खुद का अधिकार है। बिल्कुल सही। हाँ, उस परिवार ने उस वकील के साथ में उसकी जो फीस है वो फाइनलाइज कर दी है, परिवार ही फाइनलाइज करता है, और परिवार फाइनलाइज करने के बाद जो है वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है उसको वो दे देता है, और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उस वकील से साथ में कांटेक्ट करते हुए उसको वो फीस अदा करता है। अच्छा, ठीक। तो इंडिपेंडेंट ऑफ सरकारी वकील उसको ये दिया है। हम लोग अभी जो चले हैं कि ये सरकारी वकील है, मतलब कोर्ट भी अभी मानने के लिए तैयार हो गई है कि ये जो वकील है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का वकील है कि जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर एंड लुक आफ्टर ऑफ शुभ विकास। ठीक। तो उसको भी उस वकील को भी दर्जा वही होता है सरकारी वकील का कोर्टों में। तो इसलिए अब जो पहली बेईमानी होती थी सरकारी वकीलों के माध्यम से काफी बड़ा रुख लग गया है।
ये आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा जैसे बाकी के जो ये जो है इसको इसको हम लोग जो है वो आप दूसरे जैसे जैसे राज्यों की ताकत बढ़ेगी और राज्यों की ताकत बढ़ने के बाद वो उसको सरकार को मानना होगा, तो दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स। ठीक, क्योंकि सरकारी वकील में सरकारी वकीलों की जमात है उसमें किस समुदाय के जो वकील रहते हैं ये सब आप जगजाहिर बात है, तो वहां से न्याय की उम्मीद काफी कम रहती है। खैर ये पहल आपकी काफी अच्छी है। बताओ राजनीतिक पार्टी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे समाज के अंदर शिक्षा का स्तर काफी कम है, जब भी बात की जाती है तो दलित कम्युनिटी का ही जो एक इलीट वर्ग है वो कहता है कि भाई हमें तो विदेश जाके पढ़ना है, लेकिन इसी समाज का एक बहुसंख्यक जो जनता है उसके पास तो एक बेसिक एजुकेशन भी मिलने की उसको संभावना नहीं होती, उसके क्षेत्र में आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ तो देखिए कि महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट शुभिका शुल्क ड्राइव मतलब इनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स। ठीक, अभी जो है वो हम लोग जो है उस पर लगे हुए है कि उसको सस्टेन किया कैसा जाए इन द सेकेंडरी स्टेज। ठीक, और ड्रॉपआउट्स की जो संख्या है जो सेकेंडरी स्टेज पे वो कम कैसे किया जाए, या जो हम लोग का जो शिक्षक वर्ग है या फिलेंथ्रोफिक वर्ग जो है वो उसको केयर करता है, लेकिन फिर भी कहूं कि ड्रॉपआउट रेट जो है वो वेरी हाई है, इसमें कोई दौरान और उसकी काफी बड़ी वजह है, नॉट जस्ट ये आपकी इसमें जो है वो इकोनॉमिकल फैक्टर काफी बड़ा आ चुका है। एजुकेशन तो देखा जाए तो कंटिन्यूसली महंगी होती जा रही है, हम देख रहे हैं कई सारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने फीस 400 गुना तक फीस बढ़ा दी है, तो पता नहीं तो पता नहीं कि दलित कम्युनिटी या आदिवासी कम्युनिटी किस तरह से एजुकेशन आगे ले पाएगी। सर मेरा तो मतलब आपका एक दूसरा एक और किया है जी, मतलब ये जो पोस्ट 12th स्टैंडर्ड के साथ में जो बाइफर्केशन होता है वो आइदर फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल आर्किटेक्चर साइड है वो जो है एटलीस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है उनकी फीस जो है वो सरकार देती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी। अच्छा, वो जो नॉर्मल स्टूडेंट की फीस होती है वो फीस उनको जो है वो सरकार अपनी तौर से देती है। ठीक ठीक, मतलब कि आप महाराष्ट्र में एक तरह का प्रयोग कर रहे हैं जहां पर कि आप जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ हैं उनको और गवर्नमेंट को साथ में लेकर और क्लब करके फिर आप जो बेनिफिट्स हैं वो कम्युनिटीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह का फिर आगे जाकर पूरे नेशनल लेवल पर अलग अलग राज्यों में भी आप इस तरह के प्रयोग करेंगे, राइट? जी सर, ये मेरा आखिरी प्रश्न है। 2024 के चुनाव लगभग उनकी एकदम घोषणा जैसी तो हो ही चुकी है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, उसमें जो दलित लीडर्स हैं उनका या विशेष तौर पर मैं आपकी पार्टी का ही जिक्र करूं तो आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? ठीक है, हम लोग का ये रहेगा कि लीडरशिप जो है वो नॉन कांग्रेस पार्टी के हाथ में। ठीक, उसकी वजह यह है कि कांग्रेस लीडरशिप जो है वो इंक्वायरी के दायरे में आ चुकी है। ठीक, इसलिए बीजेपी आरएसएस जो है कुछ भी उस पटांग बात कह सकती है और पूरा यूनिफिकेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, राइट? इसलिए हम जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी नेता जो है जिनकी हमारी पहचान है ये है उनसे हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को साथ में रखेंगे लेकिन लीडरशिप जो है वो नॉन कांग्रेस की। ठीक, तो ऐसा साफ सुथरी हो साफ सुथरी हो ताकि बीजेपी को जो है वो इश्यूज पर टैकल करे। ठीक, द परिवारवाद पे, ठीक, ना करप्शन के बाद पे। ठीक, तो नीतीश कुमार जी की जो पहल है उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो भी निकल से नीतीश जस्ट बिगनर, देयर आर स्टिल मोर बिगर प्लेयर्स देन हिम। हां, अखबार वालों को और पेपर वालों को जो शक्ल दिखाई देती है उसी के पीछे भागते रहते हैं। असली शक्ल शक्लें जो है वो आपका भी विश्वास
बाद में दिखाई देंगे, उसका रूबरू रूबरू आपको हो जाती है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश अम्बेडकर जी, आपने अपना समय निकाला और इतने सारे विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की। और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि इनकी जो राजनीतिक पार्टी है उनकी नीतियों के बारे में इन्होंने बताया है। आज की डेट में हमें नीतियों पर, नीतियों की राजनीति करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ कह देना कि हम समाज के लिए काम करेंगे लेकिन आप काम क्या करेंगे तो किसी राजनेता को या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को पता नहीं होता। ये कह देना इतना काफी नहीं है कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, आपके पास रोड मैप क्या है। प्रकाश अम्बेडकर जी ने हमें बताया कि उनके पास क्या रोड मैप है और वो किस तरीके से महाराष्ट्र में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना कीमती समय दिया। जय भीम नमो होता है। जय भीम नमो होता है।